Hello viewers, welcome back again to my YouTube channel Naveen Dahiya. ये file है reading and reflecting on text की, जो B.Ed first year में बनती है. 50 marks का ये practical होता है एक. तो इस file के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ. देखिए, इसमें भी आपकी दो file बनती हैं. एक तो आपको 10 words newspaper से उठाने होते हैं, 10 वर्ड्स आपको मैगजीन से लेने होते हैं, और 30 वर्ड्स आपको एक बुक रीड करनी होती है, जिससे आपको 30 वर्ड्स उठा के लिखने हैं और फिर आपको पेस्टिंग वगैरह करनी है. तो ये दूसरी वाली फाइल है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ आज. रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ये वाली जो फाइल है, इसमें आपको लास्ट में बुक रिव्यू लिखना होता है. ठीक है, अगर आप बुक रिव्यू के बारे में कन्फ्यूज़ हैं कि बुक रिव्यू हम किस तरह से लिखें, तो आज आपका जो कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर करने वाली हूँ. तो ये वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अगर आपने ये फ़ाइल अभी तक कंप्लीट नहीं की है तो. ठीक है, अगर फिर भी आपकी फ़ाइल में कोई कमी है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो. तो ये वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ अभी. देखिए, आपको ये जो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग वाली फ़ाइल है, इस तरह का ये फर्स्ट पेज है. ये जो मैंने हाइड किया हुआ यहाँ पे कॉलेज नेम है, वो मैं नहीं दिखा सकती. तो लेकिन जो आगे की फ़ाइल है कम्प्लीटली दिखाऊंगी, बुक रिव्यू के बारे में बताऊंगी आपको किस तरह से कहाँ पे क्या लिखना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. तो शुरू करते हैं. ये आपका इंडेक्स बनेगा, लेकिन आपको इंडेक्स स्टार्टिंग में नहीं बनाना है, इंडेक्स आपको बाद में बनाना है. ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे आप पेज पे रिटर्न पे रिटर्न करते चलोगे, तो आपको पर पेज उसके ऊपर काउंटिंग लिखनी है कि इतने पेज हो गए. तो आपको यहाँ पे इंडेक्स में पेज नंबर लिखने होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेज नंबर डालने होंगे. तो इंडेक्स आप बाद में बना लीजिएगा. सबसे पहले तो हम फाइल देख लेते हैं. देखिए, ये जो है रीडिंग एज ए लैंग्वेज स्किल, फर्स्ट पेज है ये फाइल का. तो उसी के सामने आपको इस तरह से पेस्टिंग करनी है. ठीक है, बिल्कुल सामने करनी है, लास्ट में पेज के पीछे आप पेस्ट नहीं कर सकते. जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो उसके सामने आपको पेस्टिंग करनी है. ठीक है, तो ये है रीडिंग एज ए लैंग्वेज स्किल. ये लिखा हुआ है मीनिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग, ओवरव्यू, इंटेंसिव रीडिंग. तो उसके बाद है ये पेज. जो भी आप लिखोगे बिल्कुल उसी के सामने पेस्ट करना है आपको. जैसे ये पेज है और उसी के सामने ये वाला पेज है, तो सामने वाले पेज पे आप पेस्ट करोगे कुछ भी. ठीक है, फिर है रीडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट. इसमें नरेटिव हैं और इसी के सामने ये पेस्ट किया हुआ है पेज. कटिंग आप न्यूज़पेपर से भी ले सकते हो, मैगजीन से भी ले सकते हो. ठीक है, फिर है शॉर्ट प्ले. ये जो शॉर्ट प्ले है ये वाला है इसका, इसकी पेस्टिंग. फिर इसके बाद जो ये पेज है ये इसकी पेस्टिंग है. पोएम जो है, पोएम की पेस्टिंग है ये. ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो पेज आप जो पेस्ट करोगे, जो भी आपने लिखा है उसके सामने पेस्ट करना है. जैसे पोएम है, पोएम के सामने आपको इस तरह से कुछ भी पेस्ट करना है. किसी भी पोएम का आप जो कटिंग है वो ले सकते हो. उसके बाद है रिपोर्ट. एक छोटी सी रिपोर्ट आपको लिखनी है, किस तरह से हम रिपोर्ट लिखते हैं आपको यहाँ पे लिख देनी है. फिर है न्यूज़पेपर. ये है न्यूज़पेपर की कटिंग, बिल्कुल सामने पेस्ट किया हुआ है, आपको भी इसी तरह से पेस्ट करना है. उसके बाद लेटर,
रीडिंग प्रोसेस आपको लिखनी है लेटर की, ये लेटर है और इसी के सामने ये देखिए पेस्ट किया हुआ है लेटर का, कितने टाइप्स के होते हैं, और लेटर ये जो लिखा हुआ है इसी के पीछे एक फॉर्मल लेटर लिखा हुआ है। तो एक लेटर भी आप लिख सकते हो कि लेटर हम किस तरह से लिखते हैं, तो लेटर भी आपको लिखना है। देन ये नेक्स्ट पेज है, देखिए आप पेज की नंबरिंग देखते चलिएगा अगर आप फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है। 10 पेज था, ये पेज के बैक साइड है, ये 11 पेज है, ये 11 पेज का बैक साइड है, फिर ये 12 पेज है, ये 12 पेज का बैक साइड है, ठीक है, फिर ये 13 पेज, सॉरी ये 12 पेज है, ठीक है। राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल में मीनिंग डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू बिल, ये मतलब एक राइटर हैं, इन्होंने डेफिनेशन लिखी है इसकी। इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, इजीली आप पीडीएफ फाइल से भी बना सकते हो। ये पेज नंबर 14 है, मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, ये 14 पेज के बैक साइड है और 15 पेज का फ्रंट बिल्कुल सामने पेस्ट किया हो, ठीक है। मेजर्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, इस फाइल में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो आप मुझे कमेंट कर देना कि मैडम ये प्रॉब्लम हमें लिखने में आ रही है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है यहाँ से। अगर आपको फाइल अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। टेक्निक्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, फिर प्रोसेस टू राइटिंग, पेज नंबर 17 आया ये, 17 के बैक साइड का पेज है। पेज नंबर 18, गाइडेंस फॉर कॉन्फ्रेंसिंग है ये। ये आगे रिफ्लेक्टिंग राइटिंग, व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग राइटिंग, क्या होती है रिफ्लेक्टिंग राइटिंग, इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। आपको यहाँ पे लिखना भी है, मीनिंग है, ठीक है, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स हैं, बिल्कुल कंप्लीट फाइल में आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, पेज टू पेज, ठीक है। फिर टीचिंग पॉइंट्स है, प्रोसेस है, रिसोर्सेज हैं, फिर है अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़, ये लास्ट है इसका, रीडिंग एंड जो रीडिंग राइटिंग थी, रिफ्लेक्टिंग राइटिंग जो थी उसके बाद, देखिए रिफ्लेक्टिंग राइटिंग ऑन B.Ed 1-2 ईयर प्रोग्राम, पहले तो थी B.Ed 1 साल की थी, अब B.Ed 2 साल की हो गई है, उसके बाद B.Ed 4 साल की हो जाएगी। तो आपको ये बताना है कि जो B.Ed 1 साल से 2 साल की हुई है उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स आई है, कितना बेनिफिट हुआ है, सारा आपको इसमें लिखना है। और क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए पहले तो इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, ये हो गया इंट्रोडक्शन, फिर आपको लिखना है इन फेवर ऑन 1 ईयर B.Ed प्रोग्राम, 1 साल की जो B.Ed थी उसके फेवर में कौन कौन थे, क्या था फेवर में, 1 ईयर B.Ed प्रोग्राम के फेवर में, वो आपको सारा यहाँ पे लिखना है। फिर आपको लिखना है इन फेवर ऑफ 2 ईयर B.Ed प्रोग्राम, पहले 1 साल की थी तब क्या बेनिफिट था, अब 2 साल की जब B.Ed हो गई है तो क्या है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लास्ट में फीचर्स लिखने हैं आपको, कंक्लूजन,
लास्ट में आता है आपका बुक रिव्यू। बुक रिव्यू आपको लास्ट में लिखना है, और किस तरह से बुक रिव्यू लिखना है सारा मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, फर्स्ट आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है मीनिंग ऑफ बुक रिव्यू, मीनिंग लिखना है आपको बुक रिव्यू का। उसके बाद आपको लिखना है स्टेप्स ऑफ राइटिंग बुक रिव्यू। स्टेप्स क्या क्या हैं, एक पॉइंट्स हैं 7-8, ये आपको लिखने हैं, ताकि इसमें ये पता चले कि जब हम बुक लिखना स्टार्ट करते हैं और जब हम बुक लास्ट में कंप्लीट करते हैं, सारा प्रोसेस इसमें बताया गया है। उसके बाद है फॉर्मेट ऑफ बुक रिव्यू। बुक रिव्यू का फॉर्मेट क्या होता है, देखिए फर्स्ट होता है नेम ऑफ द बुक, ओके। उसके बाद होता है नेम ऑफ द ऑथर, जो उसका राइटर होता है। उसके बाद पब्लिकेशन हाउस, किस पब्लिकेशन हाउस में बुक पब्लिश हुई है। फिर लिखना है आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किस ईयर में बुक पब्लिश हुई है। फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ पेजेस, उस बुक के कितने पेज हैं। फिर लिखना है आपको ISBN नंबर, एक बुक का ISBN नंबर होता है, वो आपको लिखना है। देखिए जब आप बुक रिव्यू लिखे तो आपको वही बुक लेनी है जिसका ISBN नंबर हो, बगैर ISBN नंबर के आप बुक रिव्यू नहीं लिख सकते इसमें, ओके। तो ये एक पेज कंप्लीट होता है। देखिए एक बात और मैं कंप्लीट कर दूं, आपको क्लियर कर दूं, आप बुक रिव्यू करें तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारा जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो हिंदी है, एसएस है, हम तो आर्ट के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं। देखिए आपको बुक कोई भी, आप बुक कोई भी रीड कर सकते हो। जैसे ये बुक ली गई है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, चेतन भगत की ये बुक है। तो चेतन भगत की ये जो बुक है ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, जनरली कोई भी इसको रीड कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। तो आपका टीचिंग सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको एक बुक लेनी है, उसका रिव्यू करना है, और बस बुक रिव्यू आपको कंप्लीट कर देना है। फिर है बुक रिव्यू 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, पहले मैंने पैटर्न इसका बताया था कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपका बुक रिव्यू जो स्टार्ट होता है, अगर आप कोई अदर बुक भी ले रहे हो तो भी आपको इसी तरह से ये बुक इस तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न रखना है। फर्स्ट आपको नाम लिखना है बुक का, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ। अगर आपने कोई अदर दूसरी बुक ले रखी है तो आप वो लिख यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो। फिर राइटर लिखना है आपको, चेतन भगत है, आपका कोई भी राइटर अदर हो सकता है। फिर पब्लिकेशन हाउस लिखना है, किस पब्लिकेशन में हुई पब्लिश हुई थी। ईयर लिखना है, फिर ISBN नंबर लिखना है, हो गया इतना। फिर चेतन भगत के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है, जो राइटर होता है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद उन्होंने बुक में क्या लिखा हुआ है ये आपको लिखना है। कई बुक में तो ये होता है कि स्टार्टिंग में ऐसे दे देते हैं पाठ का सार या फिर बुक का सार, तो उसमें सारा कंक्लूजन दे दिया गया होता है कि इस बुक में ये है, इस टाइप की ये बुक है। तो आप वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहते तो। ये अंदर के बुक का जितना भी मटेरियल है, क्या बुक में लिखा गया है, क्या बताया गया, क्या मोटिवेट किया गया है लोगों को, उसके बारे में सारा आपको 3-4 पेज पे लिख देना है। ये होगी आपकी कंप्लीट फाइल। हाँ जी, ये होगी आपकी कंप्लीट फाइल जो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की थी। बुक रिव्यू भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर फिर भी बुक रिव्यू के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
ये था बुक रिव्यू। आप ये वाली बुक भी लगा सकते हो अगर आपको सेम फाइल बनानी है तो, बिल्कुल सेम पैटर्न टिटो पकड़ आपको फाइल बनानी है तो आप ये वाली फाइल भी, ये वाली बुक भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके अपनी फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज आज के लिए था बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।